أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी एक तेरा नाम वसीला है मेरा एक तेरा नाम वसीला है मेरा रंजो गम में भी इसी नाम से राहत होगी नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं बस इसी बात से घर में मेरे रहमत हो ये सुना है कि बहुत गौर अंधेरी होगी कब्र का खौफ न रखना ऐ दिल कब्र का खौफ न रखना ऐ दिल वहाँ सरकार दो आलम की ज़ियारत होगी और हश्र का दिन भी अजब देखने वाला ज़ुल्फ़ लहरा के वो जब आएंगे ज़ुल्फ़ लहरा के वो जब आएंगे फिर कयामत में भी एक और कयामत होगी नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मोहतरम प्रिंसिपल साहब काबिल एहतराम उस्तादे इकराम और मेरे हम मकतब साथियों अस्सलामु अलैकुम
आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई का मौका दिया गया है वो दरअसल मुझसे एक बहुत बड़ा सवाल किया गया है कि क्या हम आज़ाद हैं। चुनावी वाला, इस सवाल का जवाब लिखने के लिए जब मैंने कलम उठाया तो मेरी निगाहों के सामने हक की बात करने पर मौत का तोहफा हासिल करने वाले सहाफ़ी अजीज़ मेमन की लाश आई। तो फिर मेरे दिल में एक ख्याल आया कि ऐसे एक वाक्य तो हर मुल्क, हर वतन, हर देश, हर मिट्टी, हर जगह हो जाता है, लेकिन फिर मेरे ख्यालों में सड़क पर ज्यादा का निशान बनने वाली माँ आई जिसने मेरे कलम को ये लिखने पर मजबूर कर ही दिया कि आप आज़ाद नहीं, हाफिज़ के कैदी हैं। कहते में इस बात ने मेरे दिल को तसल्ली दी कि देखो, एक आज़ाद मुल्क में बैठ कर नाशुक्री जैसे अल्फाज मत लिखना। अब इस बात ने मेरे दिल को बहलाया ही था कि एटीएम मशीन के कैमरा से मौत चुराने वाली वीडियो मेरे जमीर को झंझोड़ने लगी कि लिख तो हक लिख, सलाउद्दीन अपनी पूरी कौम से मौत चुरा कर कह रहा है, जान की ही मान पाऊँ। एक बात कहूँ, जहाँ ज़हनी तवाज़ुन ठीक ना होने वाले शख्स को भी बेदर्दी से मारा जाए वहाँ कोई आज़ाद नहीं। आज मैं मारा गया हूँ, कल कोई और मारा जाएगा। इंसाफ को तो सोचना ही नहीं, बस मजम्मत से काम चलाया जाएगा, बस मजम्मत से काम चलाया जाएगा। चुनावी वाला, अभी मैंने लिखने की जसारत की थी कि फ़लस्तीन, कश्मीर, बर्मा, चीचनिया और इंडिया के लोगों ने चीख चीख कर पुकारा कि ऐ बेहबर, तू तो आज़ादी की नेमत से आशना ही नहीं, तेरी तो अभी इस मौजू पर लिखने की उम्र ही नहीं, तू तो आज़ाद है, तू आज लिखने को आज़ाद है, तू आज पढ़ने को आज़ाद है और तू आज स्टेज पर खड़े होकर तकरीर करने को आज़ाद है, तेरे घर के मर्द अपनी इबादत गाँव में जाकर इबादत करने को आज़ाद है। चलो मान लिया 20% लोग माशरे में खराबियों की वजह से नाइंसाफ़ी का शिकार हुए होंगे, अरे तू तो आज नशर और फिरोज के मजमे के सामने उनके लिए आवाज़ उठाने और हक की बात करने को आज़ाद है। हमें तो ये हक भी नहीं कि हम श्रीनगर को अपनी मिल्कियत बता सकें, हमें तो ये हक भी नहीं कि हम बैतुल मुकद्दस पर अपना परचम लहरा सकें। अरे अगराज, तुमने इस कलम से ख़ुद को आज़ाद ना लिखा तो याद रखो, तुमने 1947 की जद्दोजहद पर वार किया, तुमने लफ्ज़ आज़ादी को रुसवा किया और एक बहुत बड़ी नेमत से इनकार किया, और तुमने खुद को कैदी कह के कलम का गलत इस्तेमाल किया, और तुमने खुद को कैदी कह के कलम का गलत इस्तेमाल किया। चुनावी वाला, ये चीहें, ये आवाज़ें और ये पुकार मेरे समाज से टकराई, मेरा हाथ कांपने लगा, कलम नीचे गिरा और मैंने इस मौजू पर लिखने से इनकार किया, और बिलाहिर मैं इस नतीजे पर पहुंची कि इस अहवान में बैठे हर एक शख्स को दोनों पहलू बताकर फैसला आप लोगों पर छोड़ा जाए कि क्या हम आज़ाद हैं। लेकिन फैसला करने से पहले याद रखिए, हम इब्ने रुश्द ही नहीं, हम जाबिर भी, हम कुंदी भी, हम इब्ने हिद्दून तिबरी भी, हम इब्ने सीना, इब्नुल हैथम, अल बैरूनी तुसी भी, हम शायरी में शेराजी हैं, हम नगमागिरी में फिरदौसी हैं, हम ख्याल में शाहपुरी के, हम रूमी के हैं मसनवी भी, जब जब जंग हुई तो दूल्हा दरिया खाक बने, जबकि अम हुआ तो सलामती के मेरे तन बने। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आपका नाम मोहतरम जी? मेरा नाम ज़ैनुल हसीब है, मैं यहाँ न्यू राइजन एकेडमी है एज ए कोऑर्डिनेटर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा हूँ। कितना अर्सा हो गया माशाल्लाह आपका यहाँ पे? जी मेरे यहाँ पे 2 साल से ज़ायद हो गए, और इस इंस्टीट्यूट का माशाल्लाह से 10 साल से मज़ीद का वक्त हो चुका है। किस तरह शौक हुआ इस चीज़ में लेकर, ख़ानदानी वसीयत थी आपकी? असल में इस तरह से है कि मेरे शुरू से जो मेरी ग्रूमिंग हुई है वो, मैं यहाँ पे एज अ टीचर भी काम कर रहा हूँ, मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, तो शुरू से जो मेरी ग्रूमिंग हुई है वो इसी तरह से हुई है कि मुझे ख्वाहिश रही है कि मैं जो वो बच्चे जो थोड़ा पीछे रह जाते हैं पढ़ाई की रेस में उनको किसी तरह से सपोर्ट कर सकूं, तो मैं यहाँ पे आके पढ़ाता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यही मकसद होता है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, और मैंने मैथ्स को यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह फ़न के तौर पर पढ़ाया है, बच्चे बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैथ्स अमूमन एक बोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है, लेकिन मैंने उसको अपने मतलब करिकुलम के हिसाब से उसे मैं जितना भी इंटरेस्टिंग बना सकता था मैंने उसको बनाया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसी हिसाब से बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो ये शुरू से एक मेरा शौक रहा है इसके अंदर। अच्छा मोहतरम, माशाल्लाह बिल्डिंग जाती है अभी? जी जी बिल्कुल। बच्चों के वालदैन को शऊर है इस इलाके में? जी बिल्कुल, तो बहुत है। जी बिल्कुल, आपका सवाल बहुत माकूल है। वो इस तरह से है कि हम पेरेंट्स मीटिंग कंडक्ट करते हैं, और ये हमारा मंथली ये सिलसिला चलता है, उसकी वजह ये है कि हमें ज़रूरत ये पेश आती है और हम चाहते हैं कि पेरेंट्स जो हैं उनको इस बात से अवेयर रहें, और इसी वजह से हम फिर ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स मीटिंग कंडक्ट करने की ख्वाहिश रखते हैं, और जब भी पेरेंट्स आते हैं तो हम उनसे प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन में होते हैं, उन्हें उनके बच्चों की परफॉर्मेंसेस भी बताते हैं, क्योंकि हमारे पास तमाम बच्चों की फ़ाइल्स मौजूद होती हैं, उनके रिजल्ट्स के हिसाब से, उनके जो पेपर्स हुए हैं वो उनके हिसाब से, उनके जो टेस्ट होते हैं उनके हिसाब से,
तो वो उनको देख कर काफ़ी मुतमईन भी होते हैं और इसी तरह कोऑर्डिनेशन में हमारा सिलसिला चलता है। तो दीनी हवाले से माशाल्लाह यहाँ पे क्या शोभा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा जो ज़ाती तौर पे शौक़ है वो दीन की तरफ भी मुझे काफ़ी अल्लाह ताला ने मुझ पे मेहरबानी की है और मुझे काफ़ी उस तरफ मेरा झुकाव है, तो मैं ख़ुद भी ज़ाती तौर पे कोशिश करता हूँ। आजकल आज जैसे फ्राइडे है तो फ्राइडे को अमूमन मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं किसी पर्टिकुलर आयत पे बच्चों के साथ बात करूं और मैं उसको ज़ाती तौर पे पहले ख़ुद सीखता हूं और फिर कोशिश करता हूं कि मैं बच्चों तक उसको कन्वे करूं, जो कि हमारे दीन का पैगाम भी है। और साथ ही साथ यहां पे जो सेकंड शिफ्ट होती है इवनिंग टाइम में, तो यहां पे दीनी तालीम भी सिखाई जाती है। माशाल्लाह 100 से ज़ायद बच्चियाँ हैं जो यहाँ पर मुफ्त दीनी तालीम हासिल कर रही हैं। जी जी बिल्कुल, जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं वो यहाँ पर शाम को आके और कुरान करीम और फिर जो तलफ़ुज़ के साथ अदायगी है वो भी सीखते हैं और कुछ जो बेसिक अहदीस हैं जो बच्चों को आनी चाहिए वो भी उन्हें यहाँ पे सिखाई जाती है। माशाल्लाह। अच्छा मोहतरम, ये बताएं कि सबका लॉकडाउन में क्या नुकसान हुए स्कूलों के खास तौर पे? जी कोविड के दौरान काफ़ी मुश्किलात दरपेश हुई हैं, क्योंकि आप इस बात से बखूबी आगाह होंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से उस तरह से प्रॉपरली फैसिलिटेट नहीं किया गया। लेकिन यह है कि हमें एक इदारा चलाना था, तो हमें हम पाबंद थे कि हम जो टीचर्स थे उनको सैलरीज भी देते रहें, गो कि हम उसे 50% पे ले के आए हैं और वो हमें करना पड़ा मजबूरी के तहत। और आपको पता है कि ये जैसा कि ऐसे इलाके में सिचुएटेड है जहाँ पे इर्द गिर्द गरीब लोग हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमें फ़ी भी नहीं मिलती रही उस तरह से, तो फिर हम अपने जेब से किसी तरह से करके अपने टीचर्स को सैलरी देते रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने कोई आपसे तावन नहीं किया? गवर्नमेंट ने इस बारे में हमसे कोई तावन नहीं किया। बाकी हम पैसरा FBR और जितनी भी बोर्ड की इंडक्टेड फ़ी हैं वो हम पे करते रहे थ्रू आउट, उसमें हमने कोई कोताही नहीं की, लेकिन यह है कि हमें उस तरह से फैसिलिटेट नहीं किया गया। जी बच्चों के वालदैन को कोई पैगाम दें स्कूल की तरफ से? जी मेरा स्कूल की तरफ से भी और ज़ाती तौर पर भी यही पैगाम है कि वालदैन को इस ज़िम्मेदारी का एहसास इस तरह से करना चाहिए कि बच्चे मतलब जब वो स्कूल भेज देते हैं तो वो ये समझ लेते हैं कि उनकी ज़िम्मेदारी पूरी हो चुकी है, लेकिन मेरे नज़दीक बच्चा जब स्कूल में होता है तो वो हमारे सुपरविज़न में होता है, लेकिन जब वो घर जाता है तो फिर वो उनके सुपरविज़न में होता है। तो बेहतर यह है कि जब वो घर जाए तो उसका प्रॉपर चेक एंड बैलेंस हो, उसकी एक्टिविटीज़ को देखा जाए, उसको प्रॉपरली सुपरवाइज किया जाए और फिर स्कूल में जो उसको टास्क मिला जाता है उस पर उसके बारे में उसके साथ बात की जाए। अमूमन पेरेंट्स ऐसे नहीं करते, वो जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी से जो है वो सुपुर्दोश होते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली बच्चे को नुकसान हो रहा होता है। तो हमने तो बच्चे की ग्रूमिंग के लिए काम करना है, तो इसलिए हमें ज़रूरी ये है कि हम भी अपना जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी निभाएँ और जो पेरेंट्स हैं वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बखूबी निभाएँ। थैंक यू सर। जज़ाक। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र है खुदा का। तो आपका नाम? मेरा नाम जी सुहेला नकवी। स्कूल का नाम? स्कूल का नाम टीजे मेमोरियल वोकेशनल सेंटर। तो यहाँ पे माशाल्लाह क्या क्या बच्चों को? मैं जी सारा कुछ सिखाती हूँ, कटिंग, स्टिचिंग, डो का काम, जूट का काम, निटिंग, क्रोशिया, सब कुछ सिखाते हैं हम लोग। तो कितनी स्ट्रेंथ है? एवरेज हमारी 80 है। 80? हाँ जी 80। तो फ्री ऑफ कॉस्ट? जी फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल। नहीं सबसे या सिर्फ? नहीं जी सबसे पहले मैंने जब शुरू किया था तो मैं थोड़ी बहुत फीस उनसे लेती थी 500 तक, मगर अब जब से मेरी सास का इंतकाल हुआ मेरी वालदा का, तो मैंने सब अल्लाह वास्ते सारा कुछ सदका जारिया कर दिए। और मजीद क्या आप यहाँ पे उनको सिखाती हैं? बस यही सिखाती हूँ, और इनको मैं ब्यूटीशियन का भी सिखाती हूँ, वो मैं आपको भी लेके जाऊँगी वहाँ ब्यूटीशियन का सिखाते हैं। एक और रूम है उसके अंदर भी हैं मेरे पास। अभी फ़िलहाल 3 टीचर्स हैं, अभी अगले महीने में 2 और रखूँगी इंशाल्लाह, क्योंकि अभी मेरे से हैंडल करना मुश्किल हो गया ज़्यादा। शौक हुआ इस फील्ड में? मैं जब यहाँ पे आई, एक्चुअली मैंने नर्सिंग की है, उसके बाद मैंने डायबिटीज़ में स्पेशलाइज़ किया है, मैंने अपनी क्लिनिक भी यहाँ पे खोली हुई है जिसमें गरीब लोगों को मैं
इंजेक्शन, शुगर टेस्ट करना, बीपी, वो भी मैं फ्री करती हूँ। मैं डायबिटीज़ एजुकेटर हूँ मैं जी। तो मैं जब यहाँ पे आई, मैंने देखा औरतें बहुत सुस्त हैं, निकलती नहीं हैं घर से। तो मुझे ये हुआ कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि मैं इन बच्चियों को, औरतों को हिलाऊँ। और जैसे कि आपको पता है कि आजकल महंगाई इतनी है, तो मैंने कहा कुछ ये ऐसा करें कि अपने घर का खर्चा चला लें, क्योंकि एक बाप या एक भाई या एक खाविंद आजकल पूरा नहीं कर सकता। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये बच्चियाँ, मैंने इनको अपनी बेटियों की तरह रखा हुआ है। आप इनसे पूछ भी सकते हैं, हमारा बिल्कुल फैमिली वाला माहौल है कि इनका तो बस चले तो ये सैटरडे संडे को भी मुझे छुट्टी ना करने दें। हाँ जी, कोई पैगाम दें? पैगाम मेरा यही है जी कि हर औरत को पहले तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, दूसरा कोई ना कोई हुनर उनके हाथ में होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। जो कि सिचुएशन आजकल हमारे मुल्क की है, पूरी दुनिया की, हमारे मुल्क की क्या है, तो इसमें औरत का बड़ा रोल है। एक तो पढ़ा वाला होना चाहिए, अगर माँ पढ़ी भी नहीं होगी तो सारी नस्लें ख़राब होंगी, माँ पढ़ी भी होगी तो आपकी नस्लें बहुत अच्छी चलेंगी। कोई ना कोई हुनर हर बच्ची के हाथ में होना चाहिए, हर बच्ची के हाथ में। थैंक यू। हमेशा ऊपर की तरफ स्किन को लेके आना, सही है।